वेलकम टू कॉमर्स करियर सेंटर माय यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कल के क्लास में मैंने आपको बताया था डिजीज पार्टनर का, मरे हुए पार्टनर का प्रॉफिट कैसे निकाला जाए, जितना दिन वो जीवित रहते हैं उतने दिनों का प्रॉफिट कैसे निकाला जाए। आज का कॉन्सेप्ट है डिजीज पार्टनर का गुडविल कैसे निकाला जाए। तो आइए देखते हैं एसके सिंह के बुक से क्वेश्चन नंबर 5। कम टू द पॉइंट, पीआरएस पार्टनर हैं 4:3:1, यानी कि 4/8, 3/8 और 1/8। इट इज प्रोवाइडेड दैट पार्टनरशिप डिड डेथ ऑफ एनी पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल हाफ ऑफ द प्रीवियस ईयर 4 कंप्लीटेड ईयर प्रॉफिट। 4 साल का जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसका हाफ कर देना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है गुडविल निकालने के लिए। तो ये आएगा फर्म का गुडविल। अब ये देखना होगा कि इस क्वेश्चन में डेथ किसका है, तो डेथ हुआ है बी का, तो बताना होगा कि गुडविल कितना होगा बी के हिस्से का। जर्नल देने के लिए नहीं बोल रहा है, केवल बी के हिस्से का गुडविल। तो ऐसा करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इस क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। टोटल प्रॉफिट निकाला जाए जो कि बुक में दिया हुआ है। कितना कितना दिया है सर? 1,20,000 और प्लस 80,000 और प्लस कितना दिया है 40,000 और प्लस 80,000, यानी कि 3,20,000 पूरा प्रॉफिट आ गया। बढ़िया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार फर्म का गुडविल कैसे निकलेगा, फर्म गुडविल या गुडविल? तो फर्म गुडविल बराबर हो जाएगा सर, ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि 1/2 × 3,20,000, जितना प्रॉफिट है उसका 1/2, यानी कि आ गया 1,60,000। ये तो पूरे फर्म का गुडविल हुआ। तो अब हम लोग निकालेंगे शेयर ऑफ जिसका डेथ हुआ है, तो शेयर ऑफ बी, तो बी का कितना गुडविल होगा? 1,60,000 रुपये का बी का हिस्सा बताइए कितना होगा इसमें? तो बी का हिस्सा है 3/8, 3/8, 8×16 और 20×60, यानी 60,000 आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन 100% कंप्लीट हुआ, 60,000 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये बना आपका क्वेश्चन नंबर 5, एकदम आराम से विद्यार्थी समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टॉपिक का है, आइए थोड़ी बहुत हम उसे डील कर दें ताकि हमारे स्टूडेंट्स को या हमारे जो भी यूट्यूब सब्सक्राइबर है वो उसे अच्छी तरह समझ लें, अगले क्वेश्चन जो वो आराम से डील कर लें, समझ लें। तो आइए देखते हैं आज के लिए लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर। याद रखिएगा कल हमारी वीडियोज होगी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कल का वीडियो और भी अच्छा होगा। तो माई डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप जुड़े रहें और पढ़ते रहें बेहतर कॉमर्स। तो अगला है हम लोग का, यानी कि वही कैलकुलेशन ऑफ डिजीज पार्टनर गुडविल, यानी कि मृत साझेदार का गुडविल कैसे निकाला जाए। ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 6, मैं दावा करता हूं कि आपसे ये अच्छी तरह बनेगा, मैं यदि आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देता हूं तब। ए और बी पार्टनर है 3:2 में, 1 जुलाई को बी का डेथ होता है। डेथ होने पर ऐसा है कि इसका कैलकुलेशन किया जाएगा 1 ईयर एवरेज प्रॉफिट से, यानी 1 से गुना करके। इसके पहले मैंने जो बोर्ड पे बनाया मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे टोटल प्रॉफिट में नहीं एवरेज प्रॉफिट में। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है,
और क्वेश्चन के लास्ट में लिख रहा है बी का डेथ हुआ और साथ ही साथ दिया है अपीयरिंग गुडविल। अपीयरिंग गुडविल में सबका हिस्सा होता है, तो बी का हिस्सा बता देना होगा कि बी का अपीयरिंग गुडविल में क्या हिस्सा होगा। तो आइए ध्यान देते हैं, इसको भी बनाना आसान है, हमारे स्टूडेंट्स इसे खुद से बनाएंगे। सबसे पहले वो निकालेंगे एपी। एपी मतलब क्या सर? एपी का मतलब निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले हमारे स्टूडेंट निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। बढ़िया, कैसे निकलेगा सर? तीनों प्रॉफिट को जोड़ देना है, प्लस प्लस प्लस। तीन प्रॉफिट दिया, तीनों को जोड़कर तीन से डिवाइड, प्लस प्लस प्लस, तीनों को जोड़कर और तीन से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार गुडविल कैसे निकलेगा सर? तो गुडविल बराबर हो जाएगा एक गुना एपी, एक गुना एपी। तो जितना आपका एवरेज प्रॉफिट आया होगा उसमें एक से गुना कर दीजिएगा, जितना एवरेज प्रॉफिट आएगा उससे एक से गुना कर दीजिएगा, तो आपका ये आ जाएगा गुडविल। बढ़िया, अब इसके बाद क्या करना होगा? इसके बाद हम लोग को क्या करना है जरा उसे देखें। जब गुडविल आ जाएगा तो लिखेंगे शेयर ऑफ बी। तो बी का हिस्सा निकालना आसान है, शेयर ऑफ बी हम कैसे निकालेंगे? तो आपका जितना गुडविल आ जाए, मैं नहीं जानता, जो भी गुडविल आ जाए उसका आप लोग निकाल दोगे बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा इसमें कितना है? 2/5। ऐसा नहीं कि आप 0 0 0 लिखोगे, मतलब आपका जितना गुडविल आया होगा उसका निकालोगे 2/5, तो बी के हिस्से की गुडविल आ जाएगी। बढ़िया, अब ये देखना है, इसमें एक टॉपिक और है कि अपीयरिंग गुडविल में बी का हिस्सा कितना होगा। तो अपीयरिंग गुडविल किताब में दिया हुआ है, चाहे तो आप उसका जर्नल भी दे सकते हैं। अपीयरिंग गुडविल का जर्नल क्या होता है? ऑल पार्टनर डेबिट टू गुडविल, और बांटा जाता है ओल्ड रेशियो पर। किस रेशियो पर? ओल्ड रेशियो पर बांटा जाता है। तो दे सकते हैं, इसमें तो दो ही पार्टनर हैं ए और बी, तो इसका जर्नल अगर होना होगा तो क्या होगा? ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल। हालांकि जर्नल के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है, तो अपीयरिंग गुडविल में बी का हिस्सा हम दिखा देते हैं। पहले लिख देते हैं अपीयरिंग, अपीयरिंग गुडविल किताब में दिखा रहा है 7200। चाहे तो आप इसका जर्नल भी दे सकते हैं, यानी कि ऑल पार्टनर डेबिट, यानी ए बी डेबिट टू गुडविल, और बांट देना होगा ओल्ड रेशियो पर। इसमें शेयर ऑफ बी, शेयर ऑफ बी आपके बुक में जर्नल नहीं दिया है, तो आप केवल बी का हिस्सा निकाल दोगे तो बस काम हो जाएगा। 7200 में बी का हिस्सा निकाल देना होगा 2/5। बढ़िया, तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो। तो आज मैंने आपका बता दिया डिजीज पार्टनर का गुडविल कैसे निकाला जाएगा। तो कल हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव क्वेश्चन होगा, जो अक्सर एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, वो होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो कल हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखेंगे रिटायरमेंट चैप्टर में। तो इस तरीके से यदि आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही होगी, या पहले भी आपने हमारे वीडियो को देखा होगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो अभी के लिए जय हिंद।